मैं नहीं बताऊंगा तो रहन दो फिर। इस तरीके की वीडियो एडिट करने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला है कैपकट और दूसरा बीपीएन। तो चलिए जल्दी से हम अपने बीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद अपनी एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वेट करते हैं जब तक हमारा वीपीएन कनेक्ट हो रहा है। और याद रखना है, वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद उसको डिसकनेक्ट नहीं करना है, कट नहीं करना है, बीच वाली बटन से उसको कर देना है, बैकग्राउंड में प्ले रहने देना है। तो हम अपने कैपकट को ओपन करते हैं। यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट हो गया। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमको वीडियो बनानी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में जाके इसको एंडिंग को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद अपना आइडियो ले लेंगे जिस पे हमको वीडियो बनानी है, और यहाँ से ऐड कर लेंगे। आइडियो ऐड करने के बाद हम फ़ोटो को पूरा आइडियो तक कर लेंगे, जहाँ तक हमारा आइडियो है वहाँ तक हम फ़ोटो को खींच के लेके चले जाएंगे। उसके बाद हम आइडियो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसमें बीट मार्क कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारी बीट आ रही है वहाँ पे हम ऐड बीट करेंगे। एक बार सॉन्ग को सुन लेते हैं, उसके बाद बीट मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली बीट आ रही, यहाँ पे ऐड बीट करते हैं, और यहाँ पे हमारी दूसरी बीट आ रही, यहाँ पे दूसरी बीट मार्क करते हैं। ऐसे करके हम सारी बीट मार्क कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम मार्क कर लेते हैं इसको पहले। यहाँ पे लगभग हमारे सारे बीट्स हो गए कंप्लीट। यहाँ से डन करते हैं, उसके बाद वीडियो के स्टार्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद हम पहली बीट पे आते हैं, फिर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमारी पहली बीट है उससे थोड़ा आगे जाएंगे, और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करने के बाद पहले बीट पे आएंगे, फ़ोटो को थोड़ा जूम करेंगे, और फिर उसके बाद अगले बीट पे जाएंगे, और यहाँ पे फ़ोटो को फिर से थोड़ा जूम करेंगे या साइड में करेंगे। ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ पे हमारी बीट है सब पे जाएंगे, और थोड़ा सा फ़ोटो को इधर उधर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। हमारे सारे बीट्स पे की फ्रेम ऐड हो चुके हैं, उसके बाद हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसा लुक दे रहा है। तो देख ही सकते हो काफ़ी सही लुक दे रहा है। उसके बाद इसमें हम इफ़ेक्ट लगाएंगे। इफ़ेक्ट लगाने के लिए पहले बीट पे चले आएंगे, फिर उसके बाद इफ़ेक्ट पे जाएंगे। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद वीडियो इफ़ेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम चले जाते हैं स्पार्क में। थोड़ा ऐसे साइड करेंगे तो आ जाएगा स्पार्क। स्पार्क पे जाने के बाद ये वाला इफ़ेक्ट हम यहाँ से लगा लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको लगा लेते हैं, और यहाँ से डन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम दूसरे बीट तक रखते हैं, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके कॉपी करते हैं। कॉपी करके आगे ले जाते हैं इसको, इफ़ेक्ट पे क्लिक करके कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो इसको आगे ले जाते हैं थोड़ा, ऐसे ऐसे करके हम सारे बीट्स पे कॉपी कर करके लगा देंगे। तो चलिए जल्दी से हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे लगभग सारे बीट्स पे इफ़ेक्ट लग चुके हैं। अब चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारा वीडियो कैसा लुक दे रहा है। तो देख ही सकते हो आप लोग कितना अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे वीडियो का। और ये लास्ट वाला इफ़ेक्ट थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद प्ले करके देखते हैं कैसा चल रहा है। अब एकदम सही है। अब यहाँ से ऊपर वाले एरो बटन से क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।